जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बोर ना करते हो, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, आज का दिन है नाग पंचमी का। बहुत सारे लोग इस नाग पंचमी के त्यौहार को मनाते हैं। कोई आधुनिक तरीके से मनाता है, तो कोई जाके बिल ढूंढ रहा है आज सर्पों को दूध डालने के लिए। एक्चुअली ये विचारधारा कभी नहीं थी इस त्यौहार, इस पंडुम के पीछे की। और इस विचारधारा को ना लेकर भारतीय आदमी ये कह रहा है, हम तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सांपों के बिल ढूंढकर उसमें दूध डाल रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसे पाया गया कि सांपों को जबरदस्ती से दूध पिलाने की कोशिश हुई और इस बीच वो सांप मर गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज नाग पंचमी में सर्पों को बढ़िया से पूजा जा रहा है, लोग जाकर उनके मूर्ति के सामने अनेक अनेक तरह के पकवान रख रहे हैं। लेकिन असल में विचारधारा लोगों को किसी को भी पता नहीं है कि एक्चुअली ये जो त्यौहार है, ये पंडुम है, ये शुरू किस लिए हुआ था, इसके क्या मायने होंगे। और इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है और वो यही मानते हैं कि सर्प एक भगवान होता है। तो एक्चुअली सही विचारधारा आप तक पहुंचे, इसके लिए ये वीडियो है। तो आपको एक काम करना है, अपने जिंदगी के कुछ 5-6 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखना है, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले हम अगर शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में यही आपको सिद्ध करूंगा मैं कि ये आया कहाँ से, ये त्यौहार, ये पंडुम, ये सिस्टम आया कहाँ से। और मूर्ति को पूजने वाले इस बाजार में, हमें सर्प को पूजने वाले का त्यौहार क्यों आया, कैसे आया, इस सभी चीजों को हमें समझना है और बारीकी से आप समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बात ही वैसे बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी भी धर्म ग्रंथ को हम नहीं लेंगे। क्या है वो, तब लिखा गया है जब भाषा समृद्ध हुई, और भाषा जब समृद्ध हुई होगी, उसका व्याकरण बना होगा, तब जो नागरी वसाहत है वो भी क्लियर बनी होगी, तो ज्यादा हम उसका रेफरेंस नहीं लेंगे। हम रेफरेंस लेंगे क्या भारत में ऐसे लोग हैं जो प्राणी पक्षी पेड़ पौधों को पूछते हैं, ना कि मूर्ति को। तो हमें नजर आता है कि भारत में प्राचीन ट्राइब है जो द्रविड़ियन माने जाते हैं, और वो ट्राइब प्राणी पक्षी पेड़ों को, यानी प्रकृति के हर एक अंग को सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजते हैं। तो देखा जाएगा तो कैसे देखा जाएगा, तो हमें ये नजर आता है कि धर्म बनने से पहले यहाँ पे टोटेमिक सिद्धांत, टोटेमिक नियम लागू थे। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, आप किताबें उठा के देख लीजिए, आप गूगल बाबा कर लीजिए, वो भी आपको दिखा देंगे कि टोटेमिक व्यवस्था क्या होती है। ये टोटेमिक व्यवस्था ये होती थी कि प्रकृति को, सिर्फ हम मंचों पे जाके चिल्लाएं प्रकृति को बचाए, प्रकृति के, तो प्रकृति नहीं बचेगी, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने होते हैं। वो सुधार ये है कि प्रकृति के नियमों को खुद के नियमों में लगाना, और यही ये शुरुआत है कि प्रकृति के नियमों को खुद में कैसे लगाएंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, पॉसिबल है। देखिए, टोटेमिक सिद्धांत में हर एक समुदाय एक प्राणी को सर्वश्रेष्ठ मानकर उस पर ही अमल करता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, हम क्या करते हैं, हम काल्पनिक भगवानों को मानते हैं, लेकिन ट्राइब जो है वो ट्राइब यहाँ के प्रकृति के विविध अंगों को मानता है। प्रकृति का मेन अंग क्या है, प्राणी पक्षी पेड़, ये प्रकृति के मेन अंग नजर आते हैं। तो ट्राइबल लोगों ने, जैसे कि मैं हूँ, हम ट्राइब है, तो मेरे इसमें एक पेड़, एक पक्षी और एक प्राणी आता है जिसकी हम रक्षा करते हैं। और ऐसे ही टोटेमिक सिद्धांत को लेकर अनेक समुदाय बट गए। अनेक समुदाय को, किसी ने शेर लिया, किसी ने नाग लिया, किसी ने कछुआ लिया, किसी ने खरगोश लिया, किसी ने तोता लिया, ये सभी लेकर ये समुदाय धीरे धीरे बटने लगे। उन समुदाय में एक ही नियम काफी थे कि जो प्राणी को वो प्रतीक मानते हैं, उस प्राणी के नाम से ही वो जानते हैं, उस प्राणी की रक्षा करते हैं, उसको कभी मारते नहीं, उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इसीलिए सर्प, आप नाग बोल रहे हो, नाग पंचमी हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे कि प्राणी है आपके जंगल में चार पैरों के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम शेर को बहुत ज़्यादा जानते हैं, या शेर को बहुत ज़्यादा उसकी संज्ञा दी जाती है, वैसे ही सर्प में, यानी रेंगने वाले प्राणियों में सर्प खूंखार जहरीला नाग को देखा जाता है। इसलिए इस पंडुम का नाग पंचमी या नाग कुछ और पंडुम का नाम पड़ा होगा। लेकिन ये सिर्फ नाग का त्यौहार नहीं, ये सभी सर्प का त्यौहार है। सर्प इसलिए क्योंकि ये जो टोटेमिक व्यवस्था है वहाँ से ये त्यौहार चलकर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे किसी ने बताया नहीं कि ये त्यौहार आया कहाँ से। अभी दूसरी बात, ये त्यौहार क्यों रखा गया। देखिए, मेरे पुरखा, जो दादा आपके पुरखा जानते थे कि
हम अगर अपने समुदाय को ये कहेंगे कि आपको नाक की रक्षा करनी है, आपको सर्पों की रक्षा करनी है क्योंकि वो प्रकृति का एक अंग है, इस अन्न चक्र को चलाने वाले हैं, ये हम बताएंगे तो हमारे नाती नहीं सुनेंगे। तो इसके लिए इसको त्यौहार बनाया गया। त्यौहार बनाकर साल में ये जो एक बार आता है तो हमें याद करवा के जाता है कि सर जी हमें सर्पों के बारे में भी सोचना है, हमें उसको बचाना है, वो प्रकृति के विविध अंग है। और मैं आपको ट्राइब बता दूं दोस्तों, एक मैं वीडियो आपको क्लिप दिखा रहा हूँ जो मैं गया था कर्नाटक एरिया में, जहाँ पे गोंडा ट्राइब रहते हैं, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जानते हैं। जब मैं उनके घर पहुँचा तो उन्होंने हमें एक दवाई पिलाई, वो जड़ी बूटी दवाई थी। उनके कुछ नियम थे कि वो जब दवाई पिलाते हैं तो ज़्यादा बात नहीं करते। तो हम कर्नाटक के मुरुडेश्वर एरिया में जब घूम रहे थे, भटकल क्षेत्र में, तो ये हमने नोटिस किया वहाँ पे कि वहाँ के लोग नाक को मानते ही नहीं, जानते भी है। प्रोडक्शन ये बीज रहते हैं ना, ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, या जमा करते हैं, ये बीज को प्रोडक्ट करते हैं। ये क्या है अमा? अमा अदेन हेळा ಸೇರಿ ಪರಸರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಗಂಟು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಶಿರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಕಳಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ये बीज जमा करने की जगह है यहाँ, और ये सीडी बराम बोलते हैं, सीडी बरे ये दो पेट नहीं था, बर कड़शा बोलते हैं। हाँ ऐसे ही देता सर बताएंगे। ये है इनका देवता, नाग देवता। ये गांव, ये घर का नाम ही इससे है। क्या बोलते हैं इसे आप? नाग रहते हैं ना, इसमें रहता बोल के उसी के आराधक हैं ये गांव वाले, और इसी के नाम से वो दवा देते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ये इनके घर में ऑलरेडी है, देवता मानकर वो रहते हैं। और सर निम्गे बेलगडे एरडु इदु सिगुत्ते नोडि सर, ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿವಲ್ಲ ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕೃತಿ ಪೂಜಾ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? देखिए मानना और जानने में बहुत फर्क है। मानने वाला गिड़गिड़ाता है मूर्ति के सामने, उसको कुछ पता नहीं होता, उसको यही पता होता है कि नाग बाबा आशीर्वाद देता है। लेकिन जो जानता है वो ये भी जानता है कि सर्पों की प्रणाली कैसी है, उसको संरक्षित कैसे रखा जाएगा, और उनकी आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो हमें क्या एक्शन लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो गोंडा ट्राइब मुझे मिले वो नाक को जानते भी है। जब मैंने उनके घर में कैमरा लेके गया, यहाँ वहाँ देखा, उनके बीज को देखा, और फिर हम उनके जहाँ पे पवित्र स्थल है, जहाँ पे उनका उपासना स्थल है, वहाँ पे मैं गया तो मुझे देखने को मिला कि वहाँ पे नाग का, सर्प का बिल उनके घर में है। उनके पुरखा उसके ऊपर अभ्यास करते आ रहे, वो घर के लोग भी उस पर अभ्यास करते आ रहे, और वो भी जो जड़ी बूटी का औषधि प्रदान करते हैं वो बिल्कुल फ्री में करते हैं। और इसीलिए वो जब हम उनके घर में गए थे तब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो सिस्टम ये है कि नाग पंचमी को बहुत सारे लोग, अभी फिल्म आ जाएगी और टीवी पे आज ज़्यादा फिल्में कौन सी बजेगी पता है? टीणी नहीं, नहीं, जो बीन बजाते हैं, नाग डोल के आता है और फिर दूध पिलाते हैं। एक्चुअली ना नाग दूध नहीं पीता, सर्प दूध नहीं पीता। अगर वो दूध पीता होता तो उसको उसकी माँ ही दूध दे देती। नागिन को दूध आता है क्या? तो नहीं आता, तो सर्प दूध नहीं पीता। बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती से सर्पों को दूध पिलवा कर मारा है। और लोग कहते हैं कि बीन बजाने से सांप आता है, एक्चुअली सांप को ना कान ही नहीं होते, वो सुनाई नहीं देता उसको। वो सर्प जो है वो वाइब्रेशन को, कंपन को, जमीन के वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करता है,
ये रियलिटी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम टोटेमिक सिद्धांत वाले समुदाय से, ये जो प्राचीन प्रोटो द्रविडियन ट्राइब से ये जो त्यौहार आ रहा है, यहाँ तक पहुँचा है, आज हम आधुनिक विज्ञानवाद में 2022 में इसकी पूजा कर रहे हैं, तो हम किस एंगल से करेंगे? आपके पुरखाओं ने ये त्यौहार इसलिए बना के दिया कि साल में एक दिन ये है कि आपको याद रहे कि सर्प बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसको बचाना है। और ये इसी मौसम पे क्यों आता है? क्योंकि अभी देखिए, जैसे धूपकाला चला गया, वो जो बिल है, बिल में पानी घुस गया, बारिश आई, और इस बीच सर्प जो है आपके इर्द गिर्द, आपके जंगलों में, आपके खेतों में विहार करने लगते हैं। यही एक मौसम होता है जिस मौसम में सर्प जाति जो मादा है जन्म देती है। अनेक सांपों का यहाँ पे जन्म होता है, अनेक प्रजातियों का यहाँ पे जन्म होता है, इसलिए इस मोमेंट को सर्प दिन यानी नाग पंचमी कह सकते हो, सर्प पंचमी कह सकते हो। इस प्रजाति के रेंगने वाले प्रजाति को हम पूजते हैं क्योंकि वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, प्रकृति को बचाने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है, उसको बचाना चाहिए। जो ट्राइब सर्पों को मानते हैं और जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि सर्पों को कैसे बचाना है। उनके खेती में आप देखिए, जो नाग को मानते हैं उसके नाग का एक उपासना स्थल मिलेगा, वो उपासना स्थल उसके लिए नहीं है, तो वो खेती में कभी भी ऐसा खाद नहीं डालते जिस खादों से सर्पों की प्रजाति नष्ट हो, ऐसा स्प्रे नहीं करते जिससे कि सर्पों की प्रजाति नष्ट हो। इसका एक ही मतलब है कि वो सांपों को मानते तो है लेकिन जानते भी हैं। क्या हम जानते हैं? और इसीलिए मूर्ति के सामने रखना उसकी हे भगवान हमें ये दे वो दे, प्रकृति के सिस्टम को, प्रकृति के प्राणी को हम कब तक समझेंगे? आज हम उस मूर्ति के सामने हे नागोबा तुम बड़े हो, और आगे चलकर जब घर में सांप निकलता है तो हम उसको मारते हैं। इस दिन, इस त्यौहार को समझकर हमें ये कसम खानी है कि हम आज के बाद सर्पों को बचाने की कोशिश करेंगे, उनको संजोने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को पता है, कोई भी सर्प आपका निशाना लेके नहीं आता, वो भटक जाता है तो आ जाता है। आप कभी जाके आपके एरिया में अगर कोई सर्प मित्र है तो उनसे मिलिए और कहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो शाबाशी देने लायक काम है, क्योंकि आप इनको बचाते हैं, आप पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, और आपको पता है कौन सा सांप कितनी ज़्यादा अहमियत प्रदान करता है। और यहाँ की सबसे मेडिसिन भी सांपों के जहर से बनाई जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में इस नाग पंचमी को भगवानी त्यौहार बना दिया गया। तो इसलिए हम सभी को प्राचीन ट्राइब के जो विचारधारा है उसको समझना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो सही नाग पंचमी को आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं गोंड ट्राइब होने के नाते हमारे इसमें नाग पंचमी को बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्यौहार पे अभी गोटुल सिस्टम ख़त्म हो रही है, लेकिन हमारे जो KBKS हैं, नारायण मरकाम जी हैं, उनका गोटुल जो है, इस सिस्टम में आप जाइए, उस गोटुल सिस्टम में इसी दिन बच्चों को नाग के बारे में बहुत बढ़िया सिखाया जाता है। नाग की जो, नाग ने अगर दंश कर लिया तो उनके जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है, नाग इस प्रकृति में इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमें, हम उस नाग से क्या सीख सकते हैं, उस सर्पों से क्या सीख सकते हैं, ये गोटुले में बताया जाता था। और इसीलिए इस प्राकृतिक प्राणी को पूजने का जो पंडुम है, इसे ही आज नाग पंचमी कह के सामने लाया गया। लेकिन सही विचारधारा खो गई, मेरे दादा पूजा करते थे इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये आज के लोगों का जवाब है। तो क्या हम डेवलप इंडिया बना रहे हैं? इंटरनेट से आज एक देश से दूसरे देशों के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, और आज हम ये कर रहे हैं कि मेरे दादा पूछते थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो इसीलिए सभी को रिटर्न आने की ज़रूरत है, सभी को कल्चर देखने की ज़रूरत है, और यहाँ के प्राचीन प्रोटो द्रविडियन जो ट्राइब है उनके कल्चर को समझने की भी ज़रूरत है। तो इस वीडियो से आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय देवसी, जय गुणवाना, जय भीमा।